डियर स्टूडेंट्स, ये CMA ग्रुप 1 अकाउंट्स के लिए ये टॉपिक है जो बेसिकली आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर के एंड में ये टॉपिक कवर्ड है, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हालांकि पूरा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है, ऑल द बेसिक ऑफ अकाउंट्स और जो आपने 11th 12th या फाउंडेशन में पढ़ा होगा उसको कवर किया गया है, लेकिन सिंस आपको रिपीट किया गया है यू कैन गो थ्रू इट। लेकिन मैंने ये टॉपिक इसीलिए लिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर खाली एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। ऐसा नहीं कि 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ लिया वहां पर ये स्टोरी खत्म हो जाती। इवन इफ यू विल क्लियर योर फाइनल एंड यू बिकम अ कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की टॉपिक जिंदगी भर यूज होती रहेगी। सो डिग्री आई और अकाउंटेंट बन गए या ऑडिटर बन गए तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। सो दैट इज वाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस एंड टीचिंग दिस पॉइंट। अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है पढ़ाने का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एस्पेक्ट आपके लिए रिवीजन टाइप ऑफ हो सकता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। सो बेसिकली ऑलवेज ओपन योर मॉड्यूल बिकॉज आई एम कवरिंग ऑल द थियोरेटिकल पार्ट्स एंड द सम पार्ट फ्रॉम योर मॉड्यूल। मॉड्यूल के सम से ही मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगी एंड इसके एग्जाम्स में पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसके आते हैं क्वेश्चन, कभी कभी 4-5 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। और या फिर अगर आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपने किया होगा तो उसके अंदर में भी एडजस्टमेंट्स के रूप में ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ जाता है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस टॉपिक एंड नॉट विद द एस्पेक्ट कि एग्जाम क्लियर करना है, आगे पॉइंट मतलब आगे के लाइफ एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चैप्टर पढ़ना होगा। चलो लेट अस रिवाइज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो एरर मतलब गलतियां ह्यूमन से होनी है। इवन सिस्टम भी आ गई है तो गलती होनी है, लेकिन सिस्टम में जो एंट्री पास करते हैं वो भी तो ह्यूमन ही है। सो गलती दो टाइप की हो सकती है। एक गलती ऐसी है जो बाय ह्यूमन एरर बाय नेचुरली हो गया और दूसरी गलती ऐसी थी जो जानबूझ के की गई हुई है, इंटेंशनली की गई है, राइट। तो यहाँ पर हमें इंटेंशनली की है, भूल गए हैं, जानबूझ के हो गया या हमें नजर नहीं आया, व्हाटएवर द केस में भी हम अकाउंटेंट को वो गलतियां समझनी है, उसको कैटेगराइज करना है एंड देन हमको उसको रेक्टिफाई करना है। तो इस सम में आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज रॉन्ग हैपन, रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई है। सेकेंड, आपको ये समझना है करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। एंड थर्ड, आपको ये समझना है कि रेक्टिफाइड एंट्री कैसे पास करें। तो ये तीनों चीजों को हमें हर सम में ये समझकर पास ऑन करना है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगी। हालांकि बहुत थियोरेटिकल है, लेकिन मैं इस थ्योरी को ज्यादा कवर नहीं करती हूँ जब मैं सम करने जाती हूँ। आई ऑलवेज सॉल्व द सम लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे ताकि हम कभी नहीं भूल पाए। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज, अगर आप मॉड्यूल ओपन करोगे, थ्योरी में कवर करोगे तो इन्होंने काफी सारे एरर दिए। हम एरर को इसीलिए रेक्टिफाई करेंगे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, जस्ट टू प्रेजेंट और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हमारे शेयर होल्डर्स है या इन्वेस्टर्स है या हमारे फाइनेंशियल रीडर्स ऑफ द अकाउंट है, उनको करेक्ट पिक्चर दिखाए, हम अपनी गलतियों को ठीक करके प्रॉपर अकाउंटिंग दिखाए, प्रॉफिट दिखाए, ताकि उन्हें समझ में आए कि एक्चुअली कंपनी का पोजीशन क्या है, राइट। गलतियां आज की हो सकती है, गलतियां पिछले साल की हो सकती है और गलतियां पिछले बहुत पुरानी गलतियां भी हो सकती है। लेकिन हमें क्या चीज पे वर्क करना है, पुरानी हो या कल की हो, हमें रेक्टिफाई करना है, राइट, ठीक है। कुछ एरर्स दिए हुए जो आपको थोड़ा सा मैं बोलूंगी तो याद भी आएगा कि हमने कभी पढ़ा था, पता नहीं होता क्या है। तो देखो, हमने जब गलतियां पढ़ी थी, एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा था, एरर ऑफ कमीशन पढ़ा था, एरर ऑफ ओमिशन पढ़ा था, राइट, प्रिंसिपल एरर, ये सब हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। तो मैं फर्स्ट आती हूँ एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या, आपने जो हमारे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही रॉन्ग समझा, राइट। तो हमें जैसे कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा एंड दैट इज अ कैपिटल खर्चा, आपने उसको रेवेन्यू खर्चा जैसा मानकर बुक कर दिया, तो आपने बहुत बड़ी प्रिंसिपल की एरर कर दी, राइट। तो हमें इसे रेक्टिफाई कैसे करना है, जर्नल एंट्री पास करके। सेकेंड, एरर ऑफ ओमिशन, हम तो एंट्री पास करना ही भूल गए, राइट। मतलब एक सेल्स की एंट्री पोस्ट करना भूल गए, परचेस की एंट्री पोस्ट करना भूल जाए, कोई बात नहीं, एंट्री पोस्ट कर देंगे और हम अपने अकाउंट्स में उसका इफेक्ट दिखाएंगे। थर्ड, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन इज अगेन यू कैन से कि आपने कोई एंट्री को लाइक यू कैन से कि कोई अकाउंट में रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है, आपको डेटर के अंदर पोस्टिंग करनी थी, आपने क्रेडिटर के अंदर पोस्टिंग कर दी है, ठीक है, दैट इज यू कैन से अ रॉन्ग हेड ऑफ अकाउंट इज बीन यूज्ड, नो वरीज, इसको भी हम एंट्री का पास करके करेक्ट कर सकते हैं। देन कॉम्पनसेटिंग एरर, ये तो बहुत भयानक एरर है। क्या कॉम्पनसेटिंग एरर में प्रॉब्लम होता है, आपने इस तरीके से एंट्री पास की कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों बैलेंस हो गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, हमें अपनी गलतियां पता ही नहीं चली। जनरली बाकी सब एरर में आपका या तो डेबिट बढ़ जाएगा या क्रेडिट बढ़ जाएगा, कुछ तो होने वाला है, आपको इम्बैलेंस दिखेगा। कॉम्पनसेटिंग एरर में तो ये भी नहीं समझ में आता है कि एरर किधर हुआ है, राइट। देन रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। आपने क्या किया, सब्सिडियरी बुक बनाते हो, टोटल आप जब करते हो काउंटिंग लाइन वाइज वो रॉन्ग हो गया। वो रॉन्ग होने की वजह से क्या हुआ, आपका यू कैन से कि एक साइड का रॉन्ग और दूसरे साइड में कैरी फॉरवर्ड जो नेक्स्ट पेज में होना है वो रॉन्ग चला गया, तो आपका एंड तक रॉन्ग चला जाएगा। तो हमें रॉन्ग टोटलिंग को भी ध्यान देना और उसको कैसे पास करना है कुछ भी नहीं, हम करेंगे इसको भी सस्पेंस अकाउंट में डायरेक्ट पोस्टिंग करके कर देंगे। देन पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट, डालना था 420 डाल दिया 240, हो गया रॉन्ग एंट्री, क्योंकि मैं किसी से बात कर रही थी, अकाउंटेंट आया, वो तो अपने मुंह में पान चबा रहा है, एंट्री पास कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, हो गई रॉन्ग एंट्री, हेड अलग रॉन्ग कर दिया उसने, डेबिट डेटर के में पोस्टिंग करनी थी, क्रेडिटर में कर दिया, डालना था 420 डाल दिया 240, तो 240। सो यहाँ पर आपके मिस्टेक होने की वजह से पूरा अकाउंट्स में प्रॉब्लम आ गया और अकाउंटेंट बोलेगा मुझे नहीं पता, तो पर कौन आएगा ये ठीक करने के लिए, हम जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट, हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको बताएंगे भाई तुमने ये गलती किया, अब इसको ठीक करो। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। अब हम बात करेंगे, एरर तो समझ में आ गए, इतने टाइप के एरर होते हैं। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग अलग अलग टाइम पे एरर होते हैं। टाइम पे एरर मतलब कि या तो आप जब आज आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी और आपको अगले दिन या उसी समय क्लिक हो गया अरे मैंने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, तो ये हो गया कि आपने एक टाइप की पोस्टिंग, आप अपने मॉड्यूल को भी खोल के रखो। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 3 टाइप दिया है इन्होंने, राइट। 3 टाइप के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो दिस इज बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही ये कहानी हो गई और हम उसको आराम से रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब इसमें भी दो स्टोरी निकल के आती है कि क्या वो एरर, ठीक है, अभी हम अच्छे से समझेंगे, सिंगल साइड एरर है, राइट, कि डबल साइड एरर है, ठीक है। सिंगल साइड एरर है तो हमें क्या करना है, एंड डबल साइड एरर है तो हमें क्या करना है, राइट। तो ये जो स्टोरी मैंने अभी आपके साथ जो डिस्कस की है वो तो भी बहुत सिंपल है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लगेगा, बिकॉज गलतियां कल हुई अभी हुई, हम करेक्ट कर दे रहे, तो फाइनेंशियल रीडर तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, राइट। सेकेंड आएंगे वाइल प्रिपेयरिंग, लाइक ट्रायल बैलेंस वाइल प्रिपेयरिंग मैं बोलूंगी, या आफ्टर प्रिपेयरिंग भी बोल सकते हैं, तो मैं इसको क्लियरली बोलती हूँ आफ्टर प्रिपेयरिंग, तो ईजी रहेगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग वॉट ट्रायल बैलेंस, अब ये ट्रायल बैलेंस के समय जब बन गया और हमें दिखा अरे डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट इक्वल, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं और हमें पता है डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक क्या बोलते हैं, हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम रहेगा सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट का फंडा बहुत अच्छा है। क्या है, जैसे इमेजिन करो आपके घर में और एक कॉल आता है और आपके रिलेटिव बोलते हैं कि हम 5 मिनट्स में आपके घर में आ रहे हैं जस्ट एक विजिट करने के लिए, और आप अपने घर को बहुत गंदे तरीके से मेस करके रखे हो। नाउ व्हाट यू विल डू एट दैट टाइम, उस समय आप क्या करोगे, गेस्ट को तो नहीं बोल सकते कि भैया तुम रुको, राइट। उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट सब चीज उठानी होगी, एक वार्डरोब खोलना होगा, सब उसके अंदर पुश करके पूरा क्लोज करके डंप कर देना होगा, राइट। फिर आप गेस्ट को अटेंड करोगे और गेस्ट जब चले जाएंगे देन यू विल बी टेकिंग आउट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द कबर्ड, वो डंप को निकालोगे और उसके प्लेस में रखोगे। सो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। जब हमको पता है हमारे से गलती हो गई है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो एक बार देखो हम अपने यूजर्स को या हम एजीएम को रोक नहीं सकते, हम अपने रिटर्न फाइलिंग को रोक नहीं सकते। हम बोलेंगे पहले ठीक है एक काम करो, वो कचरे को पूरा डंप करो। तो कचरा को डंप करना इन अ कबर्ड इज नथिंग बट अ सस्पेंस अकाउंट में अपनी गलतियां को मैच करके डालना। फॉर एग्जाम्पल डेबिट अगर 100 रुपीज का है और क्रेडिट आपका 150 रुपीज का है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में ओपन हो जाएगा और somehow हम एक बार मैच कर देंगे एंड फाइनली वी विल बी डूइंग आवर वर्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो ये सस्पेंस अकाउंट है। चलो कोई बात नहीं, इसको कैसे, इसमें भी हमें और भी चीजें समझनी है कि सिंगल साइड एरर हुआ तो क्या करेंगे, सिंगल साइड एरर एंड डबल साइड एरर हुआ तो क्या करेंगे, ये सब चीज अभी हम करने वाले हैं। ना लास्ट इज बेसिकली आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, लाइक अब क्या हो गया, आपकी पूरे अकाउंट्स खत्म हो गए, सब कुछ बन गया और बाद में ऑडिटर आया, भाई आपने ये गलती की, ये गलती की, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर अमाउंट का एरर है। तो हमारा प्रिपरेशन तो हो गया फाइनल अकाउंट्स को, 31 मार्च तो बंद हो गया। अब क्या करोगे आप लोग, तो उसको आप थोड़ी ना जाओगे, नहीं 31 मार्च ओपन करो, रब करो, वापस रेक्टिफाई करो, नहीं, यहाँ पर ये नहीं हो सकता। एक बार अकाउंट क्लोज हो गया आप उसको खोल कर नहीं ठीक कर सकते हो। तो हमें उसकी एंट्री, करेक्ट एंट्री पास करनी होगी, लेकिन उसका इफेक्ट कैसे लेना होगा ये एक बड़ी स्टोरी है। तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी अप्लाई करती है कि सिंगल साइड एरर होगा तो क्या करेंगे एंड डबल साइड एरर होगा तो क्या करेंगे। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज सिंगल साइड एरर एंड व्हाट इज डबल साइड एरर। अब मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करूंगी कि सिंगल साइड एरर को हम एग्जांपल लेकर के, सिंगल साइड एरर इस टाइप के होते हैं, इनकी एंट्रीज कैसे रेक्टिफाई करनी है, डबल साइड एरर डबल अकाउंट्स को अफेक्ट करते हैं, उसकी एंट्री कैसे रेक्टिफाई करनी है, यही तो पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। okay. अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप क्या है, While preparing your before preparing a trial balance, आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही आपकी गलती समझ में आ गई। Now the question arises, what is single side error? Single side error वो होता है जो सिंगल अकाउंट को इफेक्ट करता है, जो मतलब सिंपली अगर आपने कोई एंट्री पास की, फॉर एग्जाम्पल परचेज की, राइट? तो आपने क्या एंट्री पास की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? आपने 1000 रुपए की एंट्री पास की, आपने ये एंट्री करेक्ट पास की, राइट? लेकिन आप जब परचेज अकाउंट को डेबिट करने जा रहे थे तो आपने भूल से एक और जीरो ऐड कर दिया, 1000 को बना दिया 10,000। सो मींस इस अकाउंट को नहीं छेड़ना है, दिस इज ऑल टुगेदर करेक्ट, राइट? तो मतलब इस अकाउंट को टच करना है, इस अकाउंट को टच करना, मतलब यहाँ गलती हुई है एंड दिस इज ओनली वन अकाउंट अफेक्टेड, दिस इज कॉल्ड सिंगल साइड एरर, राइट? यही चीज अगर मैं इधर में डबल साइड एरर में लिखूं तो मैंने परचेज की एंट्री पास की है, राइट? तो एंट्री क्या हुई है, मैंने कुछ गुड्स परचेज किया है और बैंक से पेमेंट किया है। हुई एंट्री है 1000 की, मैंने जो किया है वो 1000 में ही किया है, राइट? लेकिन भूल से दोनों में मैंने 10,000 लिख दिया, मैंने एक एंटर जीरो का ज्यादा दबा दिया, उसके वजह से 10,000 बन गया। तो मतलब यहाँ पर दोनों अकाउंट अफेक्ट किया, दोनों अकाउंट को हमें करेक्ट करना पड़ेगा एंड क्या एंट्री पास करेंगे वो तो हम समझेंगे बाद में, लेकिन इसको बोलते हैं डबल साइड एरर, दो अकाउंट अफेक्ट होता है, सिंगल साइड एरर एक अकाउंट अफेक्ट होता है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको सिंगल सेंटेंस में, सेंटेंस के अंदर आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी एंड इसको करेक्ट करने के लिए आपको डबल एंट्री वापस से पास करनी पड़ेगी। सो डबल एंट्री पास करनी पड़ेगी डबल साइड एरर में, रेक्टिफाई करना पड़ेगा एंड ये एंट्री जब होती है तो ये थोड़ा सा हमें अच्छे से समझकर करना है। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अंदर आपके मॉड्यूल में भी एग्जाम्पल है, आप वो देखो, मैं उसी से आपको डबल साइड एरर कैसे रेक्टिफाई करना है वो सिखाती हूँ। मॉड्यूल का सम देखो, Purchased a building of 3 लाख wrongly passed through purchase account, ये एक wrong entry पास हो गई है। So हुई क्या चीज है, अगर आप समझोगे तो purchased a building of 3 लाख, राइट? तो wrong entry क्या हो गई है पहले अच्छे से समझो, ठीक है? सो हमने परचेज किया बिल्डिंग, लेकिन हमने परचेज बुक से पास कर दिया, मतलब हमने वो बिल्डिंग का ट्रीटमेंट एक परचेज के जैसा कर दिया। तो मैंने रॉन्ग एंट्री क्या पास की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, अमाउंट इज 3 लाख, राइट। क्या ये राइट एंट्री है? नहीं, ये रॉन्ग एंट्री है। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए बिल्डिंग परचेज हुआ तो बिल्डिंग अकाउंट ओपन होना चाहिए। तो मैं वापस से कर रही हूँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, कितना 3 लाख, राइट, समझ में आया। सो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो हुआ क्या है, रेक्टिफाइड एंट्री हमें करना है, परचेज अकाउंट रॉन्गली हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट करना चाहिए था हमें। तो और लेकिन कैश में इफेक्ट देखोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैश में 3 लाख जाना था, 3 लाख गया है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, बिल्डिंग अकाउंट को पिक्चर में लाना पड़ेगा और परचेज अकाउंट को पिक्चर से हटाना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज क्लोज कर रही हूँ, जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर रही हूँ और जो हुआ ही नहीं था उसको डेबिट कर रही हूँ। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड एंट्री एंड बिल्डिंग अकाउंट 3 लाख टू परचेज अकाउंट, राइट। तो हमारा ये लेजर भी बैलेंस हो जाएगा और ये जो क्रिएट होना है ये हो जाएगा। सो यू कैन सी बिल्डिंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट। मान लो उन्होंने एक सिंगल साइड एरर में बोला कि परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000, मतलब परचेज अकाउंट 10,000 से ज्यादा दिख रहा है, समझ में आया, मतलब खाली परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसको कम कर दो। सिंगल साइड एक सेंटेंस की सिंस इट इज ओवरकास्टेड हम उसको कम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिंगल साइड, उसमें ये एंट्री पास करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया। सो जो मैंने अभी सिखाया दैट इज बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। अभी मैं जाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में। देखो इन्होंने ये सब दिया भी है, एक पोस्टिंग सब, अब हम देखेंगे आफ्टर प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। Okay, now we are moving into the second part, like when the error is coming after preparing the trial balance. अब आपको गलतियां नजर आ रही है, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बन गया, अगर डिफरेंस दिख रहा है तो आप रुक नहीं सकते हो, आपको फाइनल अकाउंट जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा। लेकिन ऑल द गलती विल बी डम्प्ड इनटू वन अकाउंट दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट में आपकी जो एंट्रीज पास होगी वो कैसी होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी दो पार्ट डिवाइडेड है, यू विल बी गेटिंग अ सिंगल साइड एरर एंड अ डबल साइड एरर। डबल साइड दो अकाउंट सेट करेंगे। तो पॉइंट इज हाउ द सिंगल साइड एरर विल बी डेल्ट। पिछली बार जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था एक ही सिंगल एंट्री पास कर दो, वो सिंगल एंट्री में आप एडजस्टमेंट कर दो बाय राइटिंग अ वन सेंटेंस दैट परचेज बुक इज ओवरकास्ट और डे बुक, सेल्स डे बुक इज अंडरकास्ट, जो भी है वो एक अकाउंट से एक लाइन से रेक्टिफाई होगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने लिखा है सेल्स डे बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹1,000, मतलब सेल्स बुक हमारा 1,000 रुपीज से ज्यादा दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला, जैसे सिंगल साइड एरर कम करना होगा, तो कम करना होगा तो मैं क्या करूंगी, सेल्स डे बुक को कम करूंगी। पर यहाँ जब हम करेंगे वेयर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब हम करेंगे तो एंट्री क्या बात होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, मतलब कम कर देंगे टू, यहाँ पर सिंस इट्स अ सिंगल साइड एरर दूसरा अकाउंट तो इफेक्ट होगा नहीं, तो यहाँ पर आएगा सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट इज गिवन एज 1,000, राइट, यस 1,000। सो ये एंट्री में अगर आप देखोगे डबल इफेक्ट आ रहा है। यहाँ तो यूजुअली जो पास करते हो आप लोग वो यूजुअल पास होगा, पर यहाँ पर आपने क्या इफेक्ट दिया, एक सस्पेंस अकाउंट को पिक्चर में लाए ताकि आपका जो गलती आपको समझ में आ रही है वो रेक्टिफाई करते जा रहे हो, सस्पेंस अकाउंट में डंप करते जा रहे। सस्पेंस अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता रहेगा, लास्ट में अगर आप उसको टैली कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, निकाल दो सब गलती ठीक कर दो। अगर आप टैली नहीं कर पाए तो आपको ये बैलेंस शीट में दिखेगा, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट साइड, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी साइड। तो अभी हमने क्या सीखा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी नेक्स्ट स्टेप थर्ड वन, दैट इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ओके, What's there in this? ये भी बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ी सी चेंजेस है। फर्स्ट टू आपको समझ में आ गया, दैट इज At the time of passing the books of entry, second, after the preparation of trial balance, and third, now we are going to discuss about error you found after preparing a final accounts. अब देखो accounts बन गया, 31 मार्च चला गया, सब accounts close हो गए, balancing figure निकल कर nominal account के close हो गए P&L में, and finally आपके बैलेंस शीट में नॉर्मल रियल एंड पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस नजर आ रहे हैं, राइट। तो अब हमें गलतियां नजर आ रही है, अभी हमें गलती सही करनी है, तो इसमें यूजुअल एंट्री पास होगी, लाइक आपने सिंगल साइड एरर अगर आप बोलोगे उसमें भी वैसे ही रहेगा, डबल साइड एरर उसमें भी वैसे ही रहेगा, पर चेंजेस क्या रहेंगे इसमें, स्पेशल चेंजेस क्या रहेंगे कि जो भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट अगर आपको समझ में आता है, 2-3 अकाउंट टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। अगर आपके ये डबल एंट्री में नॉमिनल अकाउंट नजर आ रहा है तो इन दैट केस दैट नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड विद पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये रिप्लेस हो जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, व्हाई सो विल डिस्कस। बट ये दोनों में अगर आपको उस आपके जर्नल एंट्री में, आपके रेक्टिफाइड एंट्री में नजर आ रहा है रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, लीव इट एज इट इज, उसको कुछ नहीं करना। बट आपको अगर नॉमिनल अकाउंट नजर आ रहा है देन यू हैव टू रिप्लेस इट विद पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट जो भी रहेगा वो ऑलवेज अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, वॉट एवर द बिजनेस, राइट। आप देख लो, सैलरी कम हो गया, परचेज सेल में इफेक्ट आ गया, तो इन सभी में अगर आपका कम ज्यादा हुआ तो आपका प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा। बट अगर आपका डेटर्स में या क्रेडिटर्स में या कोई प्लांट एंड मशीनरी में इफेक्ट आ रहा होगा तो उसमें इफेक्ट पीएनएल में नहीं जाता है, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट नहीं आते बिजनेस का। तो इन शॉर्ट नॉमिनल अकाउंट को कुछ भी चेंजेस दिखा हमारे रेक्टिफाइड एंट्री में वो हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, अगर उससे प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, उससे प्रॉफिट कम भी हो सकता है। सो अगर कोई भी एंट्री आपका डायरेक्ट इफेक्ट दे रही है बैलेंस पीएनएल अकाउंट को तो आप पीएनएल एडजस्टमेंट में डालोगे, ओनली प्रॉफिट को ऊपर नीचे करोगे, दैट पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करके उसको रेक्टिफाई नहीं करोगे। एग्जाम्पल है आपके इसमें मॉड्यूल में, व्हाट इट इज बीन गिवन, they given that the purchase a plant wrongly debited to purchase account, very interesting, what is they had given, purchase of plant, plant purchase kiya was wrongly debited to purchase account। देखो what is the wrong entry they have passed, purchase a plant लेकिन purchase account में debit कर दिया, right, ये entry इनकी wrong है। amount is given 10,000, okay, now What should be the correct entry? Plant purchase किया है ना तो plant में ही जाएगा, so plant account debit to cash account। और आप अगर देख सकते हो तो cash account को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, पर फर्क किसको पड़ा, हमें plant में input आना चाहिए और purchase account को हटाना चाहिए। तो what will be the rectified entry? You can see plant को picture में ला रही हूँ, right, purchase account निकाल रही हूँ, राइट, समझ में आ गया। ये एंट्री मैंने पहले भी बताया था तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये पोजीशन पे जब मैं खड़ी हूँ तो मैं ये प्लांट इज माय रियल अकाउंट, इसको मैं नहीं टच करूंगी। व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस दिस परचेज अकाउंट सिंस इट इज अ नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड इज अफेक्टिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और ऑफ बिजनेस। सो व्हाट आई डू, टू इसकी जगह क्या लिखूंगी, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आर यू गेटिंग? सो हमारा प्रॉफिट अगर आप देखोगे 10,000 से बढ़ जाएगा क्योंकि पहले मैंने परचेस बुक किया था। तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगी तो आपको समझेगा 10,000 से और ज्यादा खर्चा डेबिट हुआ था, परचेस बुक हुआ था। अब मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ, सो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग? सो यहाँ पर देखो व्हाट इज द प्लांट एंड टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एक और उन्होंने दिया है, डिस्काउंट अलाउ वॉज नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट ऑफ 500। तो मतलब डिस्काउंट अलाउ किया आपने और पोस्टिंग भी नहीं की, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस अकाउंट। अब मैंने ऐसा सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा, आई विल शो यू व्हाई। अब देखो डिस्काउंट की पोस्टिंग ही नहीं की, हमने अलाउ कर दिया लेकिन पोस्टिंग नहीं की, तो इट्स अ सिंगल साइड एरर। तो अब मैं इसकी पोस्टिंग करने जा रही हूँ तो मैं एंट्री क्या करूंगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये सिंगल साइड एरर है। तो इन्होंने जो 500 रुपए की है पोस्टिंग, उन्होंने क्या किया है, 500 रुपए की पोस्टिंग, लेट मी राइट ओवर हियर 500 राइट। तो मुझे जब पता चला कि ये सिंगल साइड एरर है, डेटर में मैंने डिस्काउंट अलाउड पोस्टिंग कर दी है पर यहाँ नहीं की है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डाल दिया। अब जब आपको पता आप ये पोजीशन पे खड़े हो, तो ये डिस्काउंट अलाउड को कैसे रिप्लेस कर दोगे, यू विल बी रिप्लेसिंग विद पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो अब देखो प्रॉफिट डेबिट में हो चुका है, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट में हो चुका है, सो योर प्रॉफिट हैज बीन रिड्यूस। अगर आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो आपको समझ में आएगा डिस्काउंट पहले अलाउ नहीं किया था। अब मैं यहाँ पर मान लो 500 रुपए लिख देती हूँ, तो इसका मतलब मेरा ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, सिंपल, ओके।